और चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर हापुड़ से है। प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही का मामला हापुड़ से सामने आया है। जुगाड़ के वाहन से बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है और बड़ी लापरवाही है, और यातायात नियमों की सीधे तौर पर धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर अब इसका वायरल है। हापुड़ में प्राइवेट स्कूल की यह बड़ी लापरवाही है जब बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गढ़ मुक्तेश्वर इलाके के ब्रजघाट इलाके का मामला है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्राइवेट स्कूल बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। जुगाड़ वाहन से बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है जो कि खतरनाक हो सकता है। यातायात नियमों की भी अवहेलना की जा रही है। तो ये प्राइवेट स्कूल है गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट का, जहां पर आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से ये जुगाड़ वाहन है। इस पर आप देखिए कैसे बच्चे बैठे हुए हैं और इन वाहनों से बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है, लेकिन ये हादसे का भी सबब बन सकता है। तो जुगाड़ के इस वाहन से बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है, जबकि ये सीधे तौर पर यातायात नियमों की भी अवहेलना है। एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो है एक्सक्लूसिव जो कि सोशल मीडिया पर समय चल रहा है। और जुगाड़ के वाहन से बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है, बच्चों की जान के लिए भी ये मुसीबत हो सकता है। बच्चों की जान के साथ भी ये खिलवाड़ है एक तरीके का, क्योंकि ये हादसे का शिकार कभी भी हो सकता है। जुगाड़ के ये वाहन है, लेकिन अब इसी से बच्चों को स्कूल लाया ले जाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल किस तरह से मनमानी कर रहे हैं आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट के ये निजी स्कूलों की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें किस तरह से बच्चों को लाने ले जाने के लिए इस तरह के वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से इस जुगाड़ वाहन में कई सारे बच्चे एक साथ इसी पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और एक तो ये भीषण गर्मी, ऊपर से आप देखिए ऊपर शेड भी नहीं है बच्चों के लिए। दूसरा ये कि इस तरह के वाहनों को चलाने की परमिशन भी कैसे है और बच्चों को इससे ढोया जा रहा है, ये भी अपने आप में कई सवालों को खड़े करता है। सीधे तौर पर यातायात नियमों का ये उल्लंघन है कि आखिर किस आधार पर बच्चों को इस तरह के इन जुगाड़ वाहनों से स्कूलों तक लाया जा रहा है। बड़ी लापरवाही है प्राइवेट स्कूलों की, लेकिन अब चूंकि ये वीडियो वायरल है और देखना यह है कि इस पर अब प्रशासन के द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है, या स्कूल के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई सुनिश्चित होती है, या स्कूल इस पर क्या स्पष्टीकरण देता है। ये विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि इस तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ ही सीधे तौर पर खिलवाड़ है। और देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे इस तरह से आपको इसी जुगाड़ वाहन में आते जाते हुए नजर आएंगे। बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं, क्षमता से ज्यादा इसमें बच्चे भी हैं, और आप देखिए जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, और इसलिए इन स्कूलों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन इस पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। स्कूल प्रशासन क्योंकि खुद ही इसमें संलिप्त है, इस तरह के वाहनों से बच्चों की आवाजाही हो रही है, और अब इस पर एक्शन क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही किस स्तर पर की जा रही है, यातायात नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, जुगाड़ वाहन से बच्चों को स्कूल लाया ले जाया जा रहा है।